और अब बात करेंगे मौसम की। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान 5वें नंबर पर है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की मजीद तफसीलात जानते हैं हसन मलिक से। हसन बताइएगा हमें। अजी शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मतलब बिल्कुल साफ है। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, मगर अलल सुबह से सर्द हवा चलने की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से सर्दी की शिद्दत तो बरकरार है, लेकिन चूँकि अलल सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ और सर्द हवा चल रही है तो दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने को आ रही है, और गैर मामूली हवा चलने की वजह से मुल्तान शहर का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो गया। आज अगर मुल्तान शहर के सुबह सवेरे के मौसम की बात करें तो सुबह सवेरे मुल्तान शहर में धुंध का काफ़ी ज़्यादा राज था। मोटरवे भी बंद कर दी गई थी, M4 मोटरवे और M5 मोटरवे को रात गए से ही धुंध की वजह से हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन चूंकि अभी कुछ देर पहले ही मुल्तान शहर में जैसे ही हद निगाह बेहतर हुई है, मतलब बिल्कुल साफ हुआ है, सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकने लगा है, तो मोटरवे को भी हद निगाह बेहतर होते ही खोल दिया गया है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर और गिर्दोनवा का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान का 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब आज कदरे बेहतर है और कदरे ज़्यादा है, जो कि 85% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें, मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज गुज़िश्ता कई दिनों से कदरे बेहतर है, जो कि 170 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो मुल्तान आज 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। हद निगाह बेहतर होने की वजह से इस वक्त मुल्तान शहर में हद निगाह तकरीबन 1200 से 1300 मीटर के दरमियान रिकॉर्ड की गई है, और महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। रात गए और अलल सुबह के औकात में धुंध की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा, और वैसे ओवरऑल खुश्क सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शुक्रिया हसन मलिक। हसन मलिक शुक्रिया। डीजी खान शहर में धुंध का बसेरा। आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। आशीष वाक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात देंगे। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में खुश्क सर्दी की जो लहर है वो बरकरार है। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे दर्जा हरारत में मजीद कमी वाकई हुई है। और डीजी खान में आज सुबह सवेरे की बात की जाए तो मौसम काफी सर्द था, ठंडा था, और बकायदा तौर पर दर्जा हरारत कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया गया है। डीजी खान और मजाफात में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मतला साफ रहेगा आज, जबकि ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो आज दिन भर जारी रहेगा, जबकि मजीद आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने के इम्कान हैं। धुंध की हम बात करते हैं तो डीजी खान के मजाफाती इलाके, दही इलाके जो है उनमें धुंध का जो राज आज बरकरार है। धुंध की वजह से हद निकाह जो है वो इंतहाई कम होकर रह गई है, जबकि खसूस तौर पर जो पेट्रोलिंग पुलिस है या दीगर ट्रैफिक पुलिस, उनकी तरफ से जो हिदायत है, जो मुसाफिर हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको जारी की जा रही है कि वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और बाकायदा तौर पर अपनी जो रफ्तार है उसको कम रखें। जबकि इस हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया कि आने वाले दिनों में मजीद सर्दी बढ़ने के इम्कान हैं और दर्जा हरारत में भी मजीद कमी के इम्कान हैं, और शहरी इलाकों में भी आने वाले दिनों में मजीद धुंध जो है वो बरकरार हो सकती है, और इस हवाले से खसूस तौर पर सर्दी आज भी बरकरार है। ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है, और डीजी खान में आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी जी बहुत शुक्रिया आशीष पाक अपडेट करने के लिए। भावलपुर और गिर्दोनवा में मतला साफ रहने का इम्कान है। रात का दर्जा हरारत गिरने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। शहर की फिजा बदस्तूर आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। ताहिर जोया में मजीद मौसम का अहवाल बताइएगा। जी बहावलपुर में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम गुज़िश्ता रात की बात करें तो इस सीजन का कम से कम दर्जा रात रिकॉर्ड किया गया है 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से सुबह के औकात में भी जो सर्दी की शिद्दत है उसमें खास तौर पर इजाफा देखने में आ रहा है, और जो दुरानिया है सर्दी का वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। जो दिन का दुरानिया है वो 10 घंटे और 20 मिनट पर मुहित है, जिसमें तकरीबन 9 घंटे जो है सर्दी का मौसम चल रहा है। दोपहर के औकात में सिर्फ 1 घंटा हल्की सी जो गर्मी है सूरज की वजह से वो महसूस होती है, लेकिन वो भी बहुत कम होती है।
उसके बावजूद बाकी जितने भी औकातकार हैं दिन के, उसमें सर्दी की जो शिद्दत है उसमें बतदरीजी जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त के मौसम की बात करें तो भावलपुर में इस वक्त मतला जो है वो बिल्कुल साफ है, अलग सुबह हल्की धुंध थी लेकिन अब मतला जो है बिल्कुल साफ हो गया है, सूरज निकला हुआ है, धूप जो है वो चमकदार नजर आ रही है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा भी चल रही है जो कि मौसम को साथ साथ खुशगवार भी बना रही है और जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी इजाफा करती नजर आ रही है। इसके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है भावलपुर में हमने कल देखा कि 200 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया था जो कि अचानक गिरकर 150 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन शहर की जो फिजा है वो बदस्तूर आलूदा है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये कहा गया कि वो अपनी आउटडोर एक्टिविटीज महदूद रखें और साथ साथ जो दिल के अर्जा में मुबतला है और साथ साथ जो फेफड़ों के अर्जा में मुबतला है उनको भी कहा गया कि वो भी अपनी जो एक्टिविटीज है महदूद रखें और शहरी जो है आम शहरी भी हैं उनको भी कहा गया कि वो मास्क लगाकर घरों से बाहर निकले। इसके साथ भावलपुर में मौसम जो है वो आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो वो भी तब्दील होता नजर आ रहा है क्योंकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि भावलपुर में जो दिन का दर्जा हरारत है वो अभी तक तो स्टेबल चल रहा है लेकिन आने वाले दिनों में वो मजीद कम होगा। अगले हफ्ते के दौरान भावलपुर में दिन का दर्जा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद कम होगा जिससे दिन के उकाब में भी भरपूर जो सर्दी की नौीयत है वो छा जाएगी। इसके साथ भावलपुर में आज दर्जा रात की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासब 90% रिकॉर्ड किया गया है। खुश सर्दी जो है इसका सिलसिला इस तरह से बरकरार रहेगा। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में बारिश की पेशीनगोई नहीं की। जी जी बहुत शुक्रिया ताहिर शोहिया तफसीलात के लिए, मौसम के हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे।